छः बजे मैं लेबर को छोड़ने जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा 7-7:30 बजे। पता नहीं गुजराती में भादरवा मंथ है सितंबर में, उसको उधर प्लांटेशन करना है, छोटे वाला उधर लेके आना है, वो आता है पूरा से डालिए डालने का। चलिए बाय बाय। अभी मिक्सचर बनेगा, अभी ये पानी डाल रहे हैं हमारे सनी भाई। पता नहीं क्या नाम है कुछ लेते हैं उसको, तो चलिए वहाँ पर देखते हैं और वीडियो शूट करते हैं। पहले गलती से टाइप कर दी है इसमें, पर आज थोड़ा काम है वो प्लांट्स हटाने में। आज है 11 सितंबर और सुबह के बजे 7:15। हेलो सबको, गुड मॉर्निंग। आज है 11 सितंबर और सुबह के बजे 7:15। अभी आज मैं जीप लेके जा रहा हूँ क्योंकि आज लेबर कम आने वाले हैं, तो जो पर मैं 8:15 जाऊंगा। अभी 1 घंटा है बाड़ी पे, मैं राउंड मारूंगा, देखूंगा क्या क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, लाइट आई कि नहीं आई रात को आज, क्योंकि वो 3 फेज का जो हमारा जो पोस्टर है वो चेंज होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने ट्रैक्टर से ट्रेलर डिटैच कर लिया है और ट्रैक्टर वहाँ पर रख दिया है क्योंकि दोपहर को उस वाड़ी पर लेके जाना है। यहाँ पर रखने का कुछ है नहीं, अभी ओस वाला एटमोसफियर है तो उसका जो बॉडी है उसमें सड़न लग जाता है, तो मैं उस वाड़ी पर लेके जाऊँगा, यहाँ पर सेट नहीं है इसलिए। तो अभी मैं जीप में बैठ के हूँ, जा रहा हूँ देवपुर लेबर को लेने के लिए और आज थोड़ा काम है वो प्लांट्स हटाने हैं, उधर बेड बनाने हैं इसलिए, तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और हाँ आज रात को मैं अलग ब्लॉग शूट करूँगा, हम जाने वाले हैं यक्ष के मेले में जो ऑलमोस्ट 2 साल बाद हो रहा है क्योंकि 19 में हुआ था और 20 में तो पूरा लॉकडाउन था और 21 में दूसरा लॉकडाउन आ गया, इसलिए हो नहीं सका ये मेला। तो आज बहुत सारी पब्लिक आने वाली है वहाँ पर, बहुत सारा क्राउड होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो ये कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं दोपहर के बाद और उसके बाद रात को जब जाएंगे तो नया वीडियो शूट करेंगे। तो कल के दिन में 2 वीडियो आएंगे, एक शाम को 10 बजे और एक सुबह 10 बजे आएगा। तो चलिए अभी का काम शुरू करते हैं और चलते हैं देव पर, लेट्स गो। तो अभी वहाँ पे लेबर को छोड़ दिया है, उसको चाल बता दिया क्या क्या काम करना है और आज 7 लोग आए हैं और 8 में एक जेंट्स है बुद्धा लाल, तो आज हो जाएगा पूरा काम। यहाँ पे प्लांट्स जो हैं उस तरफ हटाने हैं, पहले गलती से उस टाइप रख दिए थे इसलिए। तो चलिए अभी आगे जाते हैं उस वाड़ी पे और देखते हैं क्या काम बाकी है। वो उधर दवा छिड़कनी है, स्प्रे करना है घास पे, तो वहाँ पे चलते हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो अभी पीछे काम चल रहा है वो दिख रहा होगा आपको उधर, तो अभी देसी गोटियाँ अलग कर रहे हैं और केसर की भी अलग कर रहे हैं, साइड में उधर जगह करनी है बेड बनाने है दोपहर के बाद। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, वो वहाँ पे दवा चालू वो देखेंगे, वो बाजू वाले वाड़ी का है, हमारे भाई हैं कज़िन उसके वहाँ पे, वो अनार में दवा छिड़क रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है पूछ लेते हैं उसको। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं और वीडियो शूट करते हैं। अभी देखिए वहाँ पर चालू है दवा छिड़कने का, दिखाता हूँ आपको, वो चालू रहा देखिए, स्प्रे कर रहे हैं। और ये पीयूष भाई है हमारे लक्ष्मी पुत्र ड्रैगन फ्रूट फार्म वाले, तो कुछ कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद मैं 11 बजे घर जाऊंगा, अभी 1 घंटा है, देखते हैं कितना वीडियो शूट होता है, अगर टाइम मिला तो करेंगे शूट। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ये अभी चालू स्प्रे दूसरी जमीन पे चालू है, अभी पहले नीचे से छिड़क लिया, अभी ऊपर चालू है, तो यहाँ पे भी छिड़कना बाकी है।
दवा कौन सा है पता नहीं, वो पूछ लेंगे उसको क्या है क्या नहीं है। इधर अभी मिक्सचर बनेगा, अभी ये पानी डाल रहे हैं हमारे सनी भाई दोनों ढंग क्या, पहले फुल भर देंगे। दोस्तों ये रहा बोर्डो, एग्री बोर्डो, इससे क्या होता है, और ये है सल्फर पाउडर। इधर रहा सल्फर, सल्फर नहीं, और इसके साथ लाइन भी है ना मिक्स, चूना और कॉपर आता है, चूना मतलब लाइम, लाइम ठीक है आसू सल्फर पची। तो ये रहा एक्शन सल्फ, मतलब सल्फर 80% सल्फर है इसमें। तो ये क्या करता है फीस भाई, इसका क्या असर होगा आपको बताएंगे। ये छोटे अनार है 3 साल पुराने, हमारा कंसल्ट है सनी भाई। ये दोनों रंग के भर चुकी है फूल, अभी पहले ये डालेंगे एग्री बोर्ड, उसके बाद ये सल्फर डाल देंगे। ये एक टंकी 200 लीटर में कितना जाता है ये बोर्डो? हाँ ये 400 लीटर में हम 1.5 किलो डाल रहे हैं ये एग्री बोर्ड, और ये सल्फर, सल्फर जा रहा है 0.5 किलो एक टंकी में, 2 टंकी में जा रहा है 1 किलो। और इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये देखिए कॉस्ट इसका 890 रुपये, यानी तकरीबन 900 रुपये पर केजी है ये। आया मना के लिए ना आप अच्छी वहाँ लिख मिक्स थे ना पहुँची है तो ये मिक्स अपर पहले ये मिक्सचर डाल देंगे अंदर, उसके बाद ये सल्फर का मिक्सचर डालेंगे। तो ये अभी मिक्सचर तैयार हो गया है और ये टंकी पूरी भर दी है अभी इन लोगों ने, तो अभी इसका छिड़काव करेंगे बाद में, ये पूरा भर जाएगा तब, तो ये दोनों टंकी रेडी होगी। ये अभी डालेंगे सल्फर, सल्फर है जो पथरी नदी आबला आपको थोड़ी देना कैसे हो आज में अलग अलग करीब 400 प्लस ये भी प्लास्टिक की थैली साफ कर रहे हैं। ये रहा सल्फर, देखिए एकदम बारीक पाउडर है। पूरा ये ऑफ वाइट हो गया, अभी इसको मिक्स करेंगे उसके बाद टंकी में डाल देंगे। ये रहा अभी लाइन नया कर रहे हैं इधर पूरा, अभी ये इस तरफ कल्टीवेटर मार देंगे दोपहर के बाद तो साफ हो जाएगा। चलिए अभी चलते हैं घर और उसके बाद देखेंगे, दोपहर के बाद मुझे वो लेकर आना है उधर
प्लांटेशन करना है, छोटे वाला तो उधर लेके आना है। एक आता है पूरा ऐसे डालिया डालने का एक औजार है, वो दिखाऊंगा मैं आपको दोपहर के बाद। तो चलिए अभी वहाँ पे चलते हैं और मिलते हैं दोपहर के बाद। ये बाइक भी यहाँ पे लेके आया हूँ, चलिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो अभी बजे हैं 4, अभी घर आया हूँ। यहाँ पे आज बारिश हुई अच्छी हुई, बाहर आपको दिखाता हूँ पानी की, इधर रास्तों में भर चुका है। 5 से 10 मिनट चला बारिश, लेकिन था बहुत तेज। अभी भी ऊपर बिजली गरज रही है, पता नहीं ये गुजराती में भादरवा मंथ है, सितंबर मंथ उसको बोलते हैं इंग्लिश में, सितंबर मंथ और गुजराती में भादरवा मंथ, इसमें बारिश गिरती है तो गिरती है वरना धूप हो जाती है। अभी हवा लग रही है इस तरफ से तो शायद बारिश आएगी, चलिए देखते हैं क्या होता है और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे जाते हैं क्या हाल है, कितना भीगा है, प्लांट्स भीगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन चला जा रहा है नहीं चला जा रहा है देखेंगे। तो अभी तो बेड खोदने का तो 3-4 दिन और लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ट्रैक्टर जा नहीं सकता इसलिए। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो वहाँ पे अभी हम राउंड मार के आए और यहाँ पे बैठे हैं अभी। तो वहाँ पे थोड़ा गीला हुआ है, 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए अगर बारिश नहीं आई तो, और 2 दिन पीछे लेट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि 6:30 बजे अभी 4:15 बज रहे हैं, 6:30 बजे मुझे 6 बजे मैं लेबर को छोड़ने जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। 7:30 बजे मेले में जाएंगे, वहाँ पे एक अलग वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, सबको जय हिंद।